22 अप्रैल 2023, देर शाम का वक्त था। जगह थी पंजाब का मोगा शहर। पुलिस के पास एक इनपुट आता है। फोन पर आई सूचना को सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। शहर दे जिन्हें भी क्रिमिनल, क्योंकि मैसेंजर बताता है कि हिंदुस्तान के जिस गद्दार को पुलिस दर बदर खोज रही है, जिस अमृतपाल सिंह की तलाश में हजारों पुलिस वाले लगे हैं, वो रोडे गांव पहुंचने वाला है। मोगा पुलिस अलर्ट हो गई। इंटेलिजेंस की टीम के साथ मिलकर इनपुट को कंफर्म किया, आगे का प्लान बना और फिर शुरू हुआ पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन कद्दार। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। कायर अमृतपाल रात में अचानक ही रोडे गांव में दाखिल हुआ। वो सीधे रोडेवाल गुरुद्वारा पहुंचा। सुबह 4 बजे जब ग्रंथी गुरुद्वारे में दाखिल हुए तो अमृतपाल पहले से वहां मौजूद था। दोनों के बीच बातें हुई, फिर अमृतपाल ने गुरुद्वारे के ग्रंथी से 5 ककार लेकर पहने, कपड़ा बदला और प्रवचन के जरिए जहर उगलने बैठ गया। रात लेट इत्थे आया रोडे पिंड च, ते मैनू भी पुलिस तो पता लगा कि वो अज रोडे पिंड तो गिरफ्तारी दे रहे हैं। मैं भी तकरीबन तो गिरफ्तारी तो थोड़ा चिर पहला ही इतने मैं पहुंचा, तो मैं उन्होंने गिरफ्तारी तो पहला मिलया, मिल के सारी गलबात भी की। उन्होंने दसिया, उन्होंने खुद ही कहता कि मैं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन तो बाद संगत को संबोधन करूँगा, उस मैं खुद ही अपने हालात दस दूंगा। देशद्रोही अमृतपाल धर्म का चोला पहने हुए पवित्र गुरुद्वारे के अंदर बैठा हुआ था। जज्बातों के ज्वार में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ इनपुट के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही थी। 18 मार्च से देशद्रोही अमृतपाल के पीछे पड़ी पंजाब पुलिस को इस बार सटीक जानकारी मिली थी और पुलिस किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। इससे पहले भी फगवाड़ा में अमृतपाल पुलिस के शिकंजे में आते आते रह गया था। यही वजह है कि इस बार पुलिस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, पूरी तैयारी के साथ गई थी। पुलिस के ज्यादातर अफसर सादी वर्दी में थे। सबसे पहले पुलिस की फौज ने रोडे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरी टीम ने गुरुद्वारे को घेरा। गुरुद्वारे में अमृतपाल की मौजूदगी की सूचना मिलने पर अमृतसर के एसएसपी सतिंदर सिंह और पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के आईजी रविवार सुबह ही रोडे गांव के गुरुद्वारे में पहुंच गए थे। उन्होंने खुद गांव के लोगों से बातचीत की, उन्हें समझाया कि राष्ट्र विरोधी बातें करने वाला अमृतपाल का पकड़ा जाना कितना जरूरी है। लोग पुलिस की बातें समझ चुके थे। पंजाब की सरकार को इस ऑपरेशन के बारे में पुलिस ने सूचना दे दी थी। आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। दूसरी तरफ गुरुद्वारे के अंदर बैठा अमृतपाल प्रवचन के नाम पर भाषण दे रहा था। प्रवचन पूरा करने के बाद वो सुबह करीब 7 बजे सरेंडर करने की तैयारी में था। बताया जाता है कि रोड़े गांव में सरेंडर करने के पीछे भी अमृतपाल सिंह की एक गहरी साजिश थी। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ सरेंडर करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था और इसी वजह से उसने सरेंडर करने के लिए रविवार का दिन चुना था। इससे पहले उसने 14 अप्रैल को भी सरेंडर की तैयारी की थी। उसने बठिंडा स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब में सरेंडर की प्लानिंग की थी। पंजाब पुलिस को इसका पता चला तो तलवंडी साबो में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इससे कायर अमृतपाल सिंह सहम गया। अमृतपाल सिंह लगातार भागा भागा फिर रहा था पुलिस के खौफ से, और फिर उसने तैयार किया प्लान बी, और इस प्लान बी के तहत उसने जगह चुनी रोडे गांव का रोडेवाल गुरुद्वारा। रोडे गांव में सरेंडर करने की दो बड़ी वजहें थी।
पहला ये कि खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म इसी रोडे गांव में हुआ था, और दूसरा ये कि वारिस पंजाब दे का चीफ भी अमृतपाल सिंह इसी रोडे गांव में बना था। भिंडरावाले को अपना आदर्श मानने वाला ये देशद्रोही उसी तरह कपड़े पहनकर गुरुद्वारे के अंदर छिपा हुआ था। आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि पवित्र गुरुद्वारे में पुलिस दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस को इसके सरेंडर प्लान के बारे में पहले ही पता चल चुका था। यही वजह है कि पुलिस सादी वर्दी में गुरुद्वारे के बाहर खड़ी हुई थी और अंदर इसे क्लियर मैसेज भेज दिया। तब तक सुबह के 6:45 हो चुके थे। अमृतपाल को पता चल गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से घिर चुके अमृतपाल की पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खत्म हो गया। पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर जो है रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने उसे उसी रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया जहां से उसकी खालिस्तानी सोच वाला सफर शुरू हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जहां पहले से उसके साथी मौजूद थे।